हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और अभी आज दीदी को हो गए हैं 12 दिन, पर नामकरण हम 15 दिन में कर रहे हैं क्योंकि उसको ना उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही है। तो हम 15 दिन में थोड़ा वो ठीक हो जाएगी करके तब हम उसको 15 दिन में हम अपने छोटे बाबू का नामकरण करेंगे। और उसने आज नहा लिया है तो आज ही, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद आज ही उसने नहा रखा है। तो ये देखिए सारे कपड़े, तो ये कपड़े मैं धोऊंगी क्योंकि उसका ऑपरेशन से हुआ है तो उसको ये वाला काम नहीं करने देना है 3 महीने तक। तो फिर भी मैं उसको नहीं करने दूंगी क्योंकि टाँकों में प्रॉब्लम होगी करके। तो अब ये वहाँ वो कपड़े धुल गए उतने, मशीन वहाँ चालू है क्योंकि मैं कल घर नहीं थी, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल। सानू के हाथ में थोड़ा, मतलब वो खेलते खेलते कहीं गिर गई थी तो हमें लगा फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर नहीं हुआ था। उसके हाथ की जो यहाँ पर और यहाँ पर की हड्डियाँ होती है वो खिसक गई थी, मतलब जो है उन्होंने हाथ रड़ घिचो। तो ये कह रहे हैं कि मुझसे ब्लॉगिंग मत कर। तो तभी मुझे इमरजेंसी में, हमें 11 बजे घर से निकली थी और वो तो भगवान जी की कृपा से उसका हाथ थोड़ा ठीक रहा और दवाइयों से ही सही हो जाएगा कह रहे हैं। और उसका हाथ वैसे भी बिना दवाई खा कर के ही सही हो गया, तो डॉक्टरों ने थोड़ा बहुत उसको, मतलब जो हड्डियाँ किसकी थी वो सही जगह पर रख ली है। और अब धोती हूँ मैं इतने सारे कपड़े, वो धूप पर डालने हैं, वहाँ हैं अभी बहुत सारे हाथ के धोने वाले वहाँ हैं। तो पहले मैं छोटे बाबू के और उसकी मम्मी के कपड़े धो लेती हूँ और एलवी की धोला पछी मैं धो ली तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसके कपड़े हपड़े धो लेती हूँ फटाफट, कपड़े भी बहुत है, इतने ही सारे कपड़े मैंने परसों 9वें दिन पे धोए थे, जो 9वां दिन होता है। तो वो कपड़े अभी तक हमारे सूखे नहीं क्योंकि हमारे घर पे धूप नहीं आती है। और अब इनको धो धा के यहीं पर पानी वो करने के लिए ये वाली लकड़ी लगा रखी है, तो इस पर वो डाल दूँगी, इस पर मतलब छटका दूँगी ना, वो थोड़े बहुत वो हो जाएंगे। और अब धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े। खाना मेरा बन चुका है, गोबर भी मैंने निकाल लिया है, मतलब बहुत सारा काम हो गया है। और मेरी बड़ी वाली नंदी सास आई हैं तो, और रिया आई है मेरी थर्ड नंदी सास की बेटी, तो कभी बताऊँगी कि मेरी कितनी नंदी सास और ननद है। और तो हेल्प हो जा रही है बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है दीदी की वजह से। तो अभी तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये वाला काम। और ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो और हाँ, एक है, मतलब मैं ब्लॉग, मतलब वो वाला नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने सबको रिप्लाई दे दिया है। एक धर्मचंद करके कोई है भैया जी, तो वो मुझे हर ब्लॉग पे, हर उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे उनके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और बहुत सारा शेयर कीजिए मेरी ब्लॉगों को, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो दिल से धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो अभी कर लेती हूँ मैं काम क्योंकि दिन निकल रहा है और धूप में ही मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो फटाफट से धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। इधर ला नारंगी, सानू यहाँ ला जल्दी। कहाँ से जा रही है इतने? पन्नी लाएगी। कहाँ ले जा रही है इतने? अरे कहाँ ले जा रही है? ला मम्मी को दे दे, फिर मम्मी को दे दे, मम्मी लुकु कर देगी। डाल डाल डाल, अरे रुक रुक, होती मैं डाल। दवाई खानी है आपको? मुझे दवाई खानी है। हाँ नारी, तो यहाँ पे इतने संतरे तोड़े हैं इसने, बंदर ने। ओए बंदर, शकल दिखा भी एक बार बंदर। ये बुड़ बंदर, ये थोड़े अभी हुए हैं ये। मामी अभी उसमें स्नैप है ना? नहीं मैं नहीं चलाती हूँ। मामी बस ब्लॉग बनाती बस। तो गाइस अभी चल रहा है दिन का कहूँ, मतलब आलू प्याज और टमाटर का सूप बन रहा है सास के लिए और नंदी सास के लिए ना हूँ। और हमारे घर से ना धूप जा चुकी है और बहुत ठंडा होने लग गई है यहाँ, तो तभी मैंने गर्म वाला कुत्ता डाल दिया है यार। और अभी तो बना रही हूँ सूप। तो दोस्तों आज आने वाले हैं लकड़ी चराई वाले, मतलब नामकरण की जो लकड़ियाँ काटी गई है ना,
तो उनको लाने वाले आने वाले हैं अभी 2 या 3 बजे के करीब। तब तक मुझे घर का टोटल काम कंप्लीट करके जाना होगा। तो सबसे फिर सूप बना लेती हूँ, फिर जाएंगे लकड़ी खाने और मैं दिखाऊंगी कि कैसे होती है पहाड़ों में लकड़ी खराई। तो ये तो अच्छे से गल चुका है, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ पानी और थोड़ा डाल लूँगी हरा धनिया। तो मिलते हैं आपको फिर दिन में। चलती रहे। वो क्या काम बोल चाची और गाय भैंस लेने जा रहे हैं। ऐसे कर ना, खड़े कर फोन। खड़े कैसा ऐसे। तो हम दोनों जा रहे हैं गाय भैंस लाने और साथ में खा रहे हैं माल्टा। अरे मेरी बाबू है बड़ी वाली, खाओगी? एक को चखो। तो यहाँ पर है लक्ष्मी और चनुली और यहाँ पे ना धूप आती है शाम तक, तो हम तभी यहीं पे अपने गाय बहन बांटते हैं। तमन गली उड़ा तमन गली उड़ा तो पतली कमर लंबे बाल हैं। वही तो घुमरी पे पहली बार आई है लकड़ी की जिंदगी में, पहली बार आया था आज। गजब कर गया देन नाचन नाच नहीं टोपे बार। पतली कमर लंबे बाल यहाँ छ नहीं लो मेरा के नातिन बाल अल्ला नजर ना लागे बाल बाल काल गई जनान कुछ नहीं होता है। अब खुदा ने रह रहा है तब घूम मेरा ने रह रहा मेरे एक नन नन बाल भी ना ये नन नन ले ली थे ये क्या आ दी वो लगा तो डुपा गए। यो आती रसानो पकड़ आवे छे यार बेल जाए 2000 बुकरी हन आ चाव तो तैयार रे ए मकान जल्दी फेर दे यार से कर रही हो न खा दे कोई ना बजा रहे थे गाइज मैं आ गई हूँ माल्टे के पेड़ पे। तो किसी ने कहा था मेरे थोड़े से माल्टे तोड़ दे, तो मैं माल्टे के पेड़ में आई हूँ देखो। और मैंने एक कट्टे में माल्टे भी तोड़ लिए हैं और हमारे माल्टे ठीक है मैं देती हूँ। हाँ इसके जड़ में आना तो मैं कट्टा देती हूँ नीचे। घर में का फल का फल तू पाकने कन आज फागुन को मेला कपुआ तू बसने कन बाजरू खा बाज पटेली का फले तू पाकने कन
कुछ बना रही हूँ। ए बाजरू खा बाज पाकेली काफला तू पाकने कन ए सालारू